गुड इवनिंग माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपका प्यारा सपोर्ट इतने अच्छे से मिल रहा है ना कि धीरे धीरे जो हमारी फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो बड़ी होती जा रही है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ब्लॉग्स इतना पसंद कर रहे हो। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं श्याम से कर रही हूँ। अभी जस्ट 4:30 हो रहे हैं और अभी भी मैं पार्लर आई क्योंकि सुबह का शेड्यूल थोड़ा ऐसा था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और बैकग्राउंड में आपको ना एक नॉइज़ आ रही होगी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है वो नॉइज़। तो अभी अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम, मेरा जो दूसरा चैनल है सोना मेकओवर, तो उसकी एडसेंस में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो मैं कर लेती हूँ इस टाइम पे। और फिर अभी देखते हैं पार्लर में क्या होता है। एंड कस्टमर लोग कस्टमर पता है पहले के मतलब इस टाइम पे ना थोड़ा सा कम, पता नहीं क्यों थोड़ा सा कस्टमर जो है कम आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी कि कस्टमर किस चीज के आते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप लोग ना इसके लिए होते हो बिकॉज आप लोग हेयर कट के ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद करते हो एंड मैं कोशिश भी करती हूँ कि हेयर कट के ब्लॉग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकूँ आपके साथ। बट पता है क्या होता है, रियल क्लाइंट को ना मैं एकदम से वीडियो में नहीं लेती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें क्या पता वो लोग कंफर्टेबल हों या नहीं हों, है ना, कैमरा फेस करने में। और चलो हेयर कट तो ऐसा एक बार के लिए बैक से ले लो, बट आप लोग ना काफ़ी कमेंट भी करते हो मुझे, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी काफ़ी कमेंट आते कि क्लाइंट का फेस दिखाया नहीं, क्लाइंट का फेस दिखाओ। तो देखो जो रियल क्लाइंट होता है उसका मैं फेस नहीं दिखा पाती हूँ। तो और जो मतलब हम लोग ऐसे ही करते हैं हेयर कट वगैरह तो उनके देखो मैं आपको जो है फेस दिखाती हूँ, इनफैक्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, उनके रिव्यू बताती हूँ। जो लोग मतलब एग्री होते हैं कि चलो आप फेस दिखाइए कोई बात नहीं, एक तो बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आ रही है ना, बहुत आवाज़ आ रही है, तो फ़ोन वाली वीडियो तो आपने मेरी देख ही ली थी, है ना, आईफोन वाली 13 प्रो मैक्स वाली। तो अभी कोशिश कर रही हूँ मैं, देखती हूँ कैसे चलता है क्या चलता है, ठीक है। तो गाइस आजकल ना बड़ा इजी हो गया है बोलना, है ना, कौन टाइप कर रहा है फटाफट से यूट्यूब पे बोलो सारा कुछ आ जाता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस आज पता है क्या हुआ, जैसे मैं पार्लर आई शाम को अब तक बाहर पे ना यहाँ जैसे भी खड़ी थी और ये मैं दिखाऊंगी, इतना शोर आ रहा है ना, बाप रे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और आज मैं बोर हो गई आज मैं बोर हो गई हूँ पार्लर में बैठे बैठे, सच ए बोरिंग डे यही वाला हाल हो गया मेरा आज, सच ए बोरिंग डे सच ए बोरिंग डे। गाइस आज ना मुझे इतनी बोरियत आ गई ना, इतनी बोरियत आ गई कि मैं क्या बताऊँ, इससे अच्छा तो मैं आज आती ना पार्लर, अकेले अकेले ना बहुत गंदा लगता है मेरे को। और मेरे बाल दिख रहे हो, कल मैंने शैम्पू किए एंड आज इतने ऑयली हो गए ना मेरे बाल, पता है दो टेक्सचर है मेरे बालों का, इधर से तो देखो कितने ड्राई है और यहाँ से देखो कितने ऑयली है बाल, भी देखो भाई कैसे कैसे हो गए, हेयर फॉल हो गया, लगता है हेयर एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी तो परमानेंट वाली। तो आप लोग बताइए कि आप लोग बताइए क्या चल रहा है बहुत बोरिंग है, सच बोरिंग पीपल। तो गाइस ये देखा आपने, जिस भी लगी हुई है बाहर और ज़्यादा मुझे बता नहीं पाई तो मुझे पब्लिक प्लेस में भी लच लगता और ऊपर से चलो अब हो गया है घर जाने का टाइम, तो आज के ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। मेरे ख्याल से इससे बोरिंग ब्लॉग और कोई देखा नहीं होगा आपने, ठीक है। तो कल मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ एंड पता है मैंने ब्लॉग के लिए ना बहुत कुछ प्लान किया है, तो चलिए लेट्स सी
आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा तो ही पॉसिबल हो पाएगा सब कुछ। तो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।